क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 50 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस सेट द ट्रायंगुलर रीजन। यानी कि इसका सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ तैयार करने से ये क्या होगा, ये ट्रायंगल के वर्टिक्स, ये ट्रायंगल फॉर्म में होगा और इसके वर्टिक्स को हमें लिखना है। इसके बाद जो इसका रीजन आएगा, ट्रायंगुलर जो रीजन होगा, उसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पहले हमें पुट करनी है। यहाँ पे आप इस तरह से मिनिमम टू वैल्यूज हमको फाइंड करना होता है ना, सो एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे हम करते हैं, अगर सपोज एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, सो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू 0 आएगा ना। y की वैल्यू 1 हमने लिया, सो 1 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। अगेन अगर हम सपोज x इज इक्वल टू y की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 2 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। y की वैल्यू हमने 2 लिया, सो x की वैल्यू 1। सेकेंड वन इक्वेशन है हमारा एक्स माइनस 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3 होगा हमारा। अब इसके लिए भी हमें मिनिमम 2 एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। सो अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, देख लो आप, सो 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, सो 12 बाई 3, ये पूरा टर्म 0 हो गया, हमारा आया कितना, 4। जब हम y की वैल्यू 0 लिया तो हमारा x की वैल्यू क्या आया, 4। अगेन अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना आएगा, देखना आप यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो फिर 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, नहीं काम बनने वाला है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 1 लोगे तो भी नहीं काम बनने वाला है, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ पे आप 3 ले लो, कितना लोगे आप, y की वैल्यू 3, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, 12 माइनस 6 बाई 3 इज इक्वल टू 6 बाई 3, 2। सो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2 आ रही है। अब ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल हम लाइन लेंगे, ठीक है ना। ये ग्राफ पे आपका बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा, आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। सो अब तो यहाँ पूरा ले लो आप ऐसे, यहाँ ये दिस वन इज योर ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, y dash x dash 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनus 4 माइनस 5 माइनस 6, 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। सो अब यहाँ पे आप देखना क्या करना होगा हमें, पहले फर्स्ट वन इक्वेशन की बात करते हैं, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 1, 0 एंड 1,
क्लियर। अभी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब इसको स्ट्रेट हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अगेन आपका है x की वैल्यू, सेकेंड वन इक्वेशन की बात करते हैं हम, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 एंड 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यही आ रहा आपका, ठीक है ना। सो ये क्या होगा आपका, इस तरह से आपका ये, सॉरी, ये ग्राफ अगर रहता ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि एग्जैक्ट ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा, सॉरी, ये लाइन यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ओके। ये ग्राफ रहता तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बना आपका, ट्रायंगल बन रहा है, ये एरिया को देख लो आप। सबसे पहले तो इस एरिया को हम सेट, हमको करना है क्या, सेट करना है, तो हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके वर्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, सपोज इसका नेम रख दो पी एंड क्यू एंड आर, तो पी का क्या हो जाएगा आपका, पी यहाँ सबसे पहले क्यू की बात हम करें, क्यू कितना हो रहा है, माइनस वन और ज़ीरो, माइनस वन और ज़ीरो, क्लियर है ना। अगेन आप देखना, इसके बाद ये तो R तो आपको पता चल रहा है साफ साफ 4 और 0, R आपका क्या हो जाएगा, ये 4 और 0। अगर हम P की बात करें, P हमारा क्या होगा, देखिए P क्या होगा, X की वैल्यू कितना हो रहा है 2, और Y की वैल्यू 3, Y की वैल्यू कितना हो रहा है, X की वैल्यू 2 है और Y की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 3। सो आप इस तरह से इसके लिख सकते हो, P आपका हो गया 2 3, एंड Q हो गया आपका माइनस 1 0, एंड R हो गया आपका 4 एंड 6। सो दिस इज योर आंसर, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू डू इट। थैंक यू।